देखिए बिहार के मधेपुरा में है, कुमारखंड है। कल यहाँ पे एक बड़ी वारदात हुई, बड़ी घटना हुई। मणिचंद पासवान जो चौकीदार थे उनको अपराधी ने गोली मार दिया। गोली मारने के बाद मौके पे उनकी मौत हो गई और उनके घर पहुँचे हैं, परिवार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे पीछे जो बहन खड़ी है, ये मणिचंद पासवान की 5 बेटी और उनकी पुतु है, और एक तरफ मणिचंद पासवान की पत्नी बेसुधी पड़ी हुई है, आँखों में आंसू है, बार बार बेहोश हो जा रही है। गाँव की महिलाएँ यहाँ बैठी हुई है और चेहरे पर पानी डाल के उसे होश मिलाती है। हालाँकि मणिचंद पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, दुनिया को छोड़ चले गए, लेकिन अपने पीछे 5 बेटी, 1 बेटा, भरा पूरा परिवार यहाँ पे है। लेकिन सारे लोग गमगीन हैं, परेशान हैं, आंखों में आंसू है, परेशान हो जा रहे हैं। पत्नी उन्हें याद करके रोती है, काफी बेचैन हो जाती है। इन परिवार से बातचीत करेंगे और कल क्या कुछ हुआ था उससे संबंधित भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या आप उनकी बेटी हैं? हाँ, हम उनके बेटी। अच्छा, क्या बहन है आप? 5 बहन है, 1 भाई है। अच्छा, कल क्या हुआ था? आपके पिता कहाँ निकले थे और ये घटना कैसे हो गई? मेरे पापा ड्यूटी पर जा रहे थे, भैया को बोला चलो हमें पहुंचा दो थाना पर, तुम चले जाना हाँ बच्चा सबको लाने के लिए। भैया जा रहे थे लेके पापा को, उतने में पुल है छर्रा पट्टी में, पुल पर जो पापा को गोली मार दिया। भैया के कॉल आए और बोला पापा को गोली मार दिया, बस इतना बात हुआ। और सारा गांव शोर हुआ तो दौड़ के गए पापा को देखने के लिए। जब कॉल किए तो भैया बोला पापा ठीक है, उसके बाद एक बार बोला पापा अब नहीं है। मैं यही विनती करूंगा सबसे, मैं मदद चाहिए चिराग पासवान और पप्पू यादव से, मैं यही विनती करूंगा, क्योंकि उसी पर घर चल रहा था, सारा परिवार चल रहा था, सबका सब कुछ करते थे, अब कौन करेगा वही नहीं है तो। देखिए, बेटी के आंखों में आंसू है, चिराग पासवान और पप्पू यादव को बुलाने की मांग कर रही है, लेकिन आज के तारीख में सभी के आंखों में आंसू है, सभी गमगीन हो जा रही है। ये बताएं कि आप भी उनकी बेटी हैं? अच्छा, ये बताएं कि क्या मामला क्या था? जमीन का मामला था, किसी से पैसे का लेन देन था, मामला क्या था? आखिर क्यों आपके पिता को अपराधी ने मार दिया? जमीन के लफड़ा रहे सर, हम कल सुबह में गले 6-7 बजे ड्यूटी, ओत गोली मार दल के पापा का, ओकरे पर घर चले रे, पूरा परिवार चले रे। आ विनती करे छे चिराग पासवान पप्पू यादव को, मेरे भाई को नौकरी दीजिए, मेरे माँ को पेंशन मिलना चाहिए। देखिए, पेंशन मिलना चाहिए और हमारे परिवार को आर्थिक मदद सरकार करे। अब आपको परिवार के सदस्य हैं? जी, हम मणिचंद पासवान चौकीदार के पुतो छे। अच्छा अच्छा, पति का क्या नाम है? प्रभास कुमार। प्रभास जी उनको गाड़ी पे ले जा रहे थे बैठा के? जी सर। अच्छा, तो ये बताएं कि जिस वक्त ये जानकारी आप लोगों को मिली कि अब वो दुनिया में नहीं रहे आपके ससुर, उस वक्त आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हाँ, अपना मायके थे, मायके में थे ना, तो बोले कि जो पापा फोन किए कि बेटा जल्दी तैयार हो, हम भेज रहे हैं गाड़ी, तो हम बोले ठीक है जा रहे हैं। तो वही बोले कि चलो हमको पहुंचा दो पहले, उसके बाद जो है बच्चा सबको ला दो, हमको हम देखेंगे बच्चा सबको। तो इतने में फिर फोन आया, यहाँ से वहाँ तक गया, वहाँ से फोन आया कि जो पापा को तो गोली मार दिया है, जल्दी आओ। तो हम आ गए, वहाँ से आए तो चला गया पुलिस मास्टर में, तब तक अथी मधेपुरा से। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आपके पति क्या करते हैं? कोनो काम नहीं करते थे, मेरे ससुर सब काम करते थे, घर का काम काज से लेके तमाम खर्चा आपके ससुर उठाते थे। जी सर। अच्छा, क्या ननद क्या गो है आपको? 5 ननद है। 5 की शादी वगैरह हो गई? जी सर, कर्जा भी बहुत है, लेकिन जो है ना बहुत कर्ज है, इसलिए कि हमेशा जो है हम लोग पर टॉर्चर आता था ना, तो इसलिए घर बर्बाद है। घर बर्बाद होने के बावजूद मेरे कोई कोनो ननद का अच्छा घर बार नहीं मिला, और सबको गरीब में दे दिया, और मेरे पापा सबका मेंटेनेंस करते थे। यानी 5 बेटी थी, सबकी शादी करनी थी, कहीं ना कहीं हो गया, निभा गया। जी, वैसे तो से निभा दिए। अच्छा, ये बताएं कि आपके ससुर मणिचंद पासवान थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके काम काज को लेकर आज भी गांव के लोग उनकी तारीफ करते हैं, कुछ यादें हैं आज के दिन बताएंगे? जी, बहुत तारीफ करते हैं, बहुत मदद करते थे। मेरे ससुर जो है अपना भूखा रहते थे, लेकिन दूसरे लोग को भूखा नहीं रहने देते थे,
किसी का फोन आता है, कोई समाज का, कोई गांव का, कोई दुश्मन भी उसके सामने आ जाता ना, तो उसको खाना खिला देते, उसको मदद कर देते। अपना गाँव घर का काम हो ना हो, लेकिन वो दूसरे का सब दिन मदद करते। अगर मैं हम बोल रहे हमसे विश्वास नहीं है तो मेरे गांव के लोग से पूछिए। ये बताइए आप उनकी कौन है? बेटी। बेटी हैं, पापा आपके थे। कितने सालों से मतलब नौकरी कर रहे थे? नौकरी 2006 से। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई है? मठाई। मठाई सहरसा मधेपुरा बाजार। मठाई बाजार। अच्छा अच्छा, आप लोग मतलब कहाँ आए हुए थे? राखी बांधने। अच्छा, राखी बांधने के लिए आए हुए थे और ये हादसा हो गया? परसों लिए राखी बांधे। हाँ। कल पापा डेट के गोली मार लग 7 बजे ड्यूटी पर जाए रहे, फोन अले कल के जाए ड्यूटी पर, चाहे होने पील के कल के लेट भए जेते चाय नहीं पीबो, ड्यूटी पर जाए रहे रास्ते में मार लग के। तो हमें 5 बहन छे, हमारा एगो भाई छे, सब परिवार ओकरे पर चल रहे, 5 बेटियों घर वह चलबे रहे, सब चीज खाना खर्चा पढ़ाई लिखा बच्चा आर के ओकरे पर चल रहे। 5 बहन भाई को राखी बांधने आए थे? भाई छे ओकरो घर वह चलबे रहे, खाना खर्चा सबके वह देखे रहे। आप 5 बहन है? हाँ। एक भाई है। हाँ। आप लोग राखी बांधने आए थे भाई को, लेकिन ये हादसा हो गया। हाँ। अच्छा। चीख और फुकार है जहाँ उनकी बेटी ये बात कह रही है कि पिता चाय नहीं पिए और जो है थाना के लिए निकल गए। हर तरफ जो है आंखों में आंसू है, छोटा छोटा बच्चा भी आज के दिन सहमा हुआ है और उनकी पत्नी यहाँ पे बेसुधी पड़ी हुई है। गांव की महिलाएं उनके चेहरे पे पानी मार रही है, सभी रो रही है, उसे चारों ओर जो है घेरे हुई है। यकीनन आज का दिन जो है इन परिवार के लिए, इस घर के लिए जो है काफ़ी मातम जो है छाया हुआ है, क्योंकि मणिचंद पासवान एक इकलौता कमाने वाला था और वो कमा के अपनी 5 बेटी का शादी करता है, एक बेटा का शादी करता है, ये परिवार का कौन पालन पोषण करेगा, इन परिवार का देखभाल कौन करेगा और ये परिवार अब किसके सहारे जिएगा, ये बड़ा सवाल है। जैसा कि उनकी जो पुतहु ने बताई कि हमारे पति जो है उन्हें नौकरी मिलना चाहिए और सरकार की तरफ से कुछ उसे मदद मिलना चाहिए। तस्वीर हम आपको बिहार के कुमारखंड का दिखा रहे हैं जहाँ के मणिचंद पासवान आते थे और इसी गाँव में उनका घर था और गाँव के जो लोग हैं इस वक्त उनके दरवाजे पर आए हुए हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इन परिवारों का कहना है कि जो है चिराग पासवान और पप्पू यादव मेरे घर आए और हमें न्याय मिले।